रहमान रहीम, मैं हूं नदीम इकबाल गौरी और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब पेज मित्रू न्यूज़ देख रहे हैं। आज हम अपने दोस्तों के साथ मरी में सैर तफरी के लिए आए हैं। प्रेस क्लब मित्रू का एक वफद भी हमारे साथ आया है, तो यहां पर कुछ लोग जो सैर तफरी के लिए आए हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो कहां से आए हैं और क्या करने आए हैं। जी जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर अली है और हम स्पेशल यहाँ पर सैर तफरी के लिए आए हैं अपने दोस्तों के साथ और हम बेसिकली आरीवाला से। अच्छा, तो कैसा यहाँ पर आकर आपको महसूस हुआ? यहाँ पे आके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर है और हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। पहले भी आप कभी मरी आए हैं? नहीं, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो आप तो बहुत खुश होंगे आज? जी आज मैं बहुत खुश हूँ। बारिश भी है और मौसम भी काफ़ी अच्छा है। हाँ बिल्कुल जी। आप कहाँ से आए? जी मैं भी साथ ही आया हूँ आरीवाला से, हम सब दोस्तों का टूर आया है। अच्छा, तो बहुत मज़ा आ रहा है, बारिश ने तो मज़ा दुबाला कर दिया हमारे। यानी मौसम बहुत अच्छा है मरी का? जी मौसम ने प्यासे पूरे कर दिए। ठीक है, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम फिजान है और मैं भी अपने दोस्तों के साथ आया, बेसिकली आरीवाला से ही हूँ। और माशाल्लाह पहली दफ़ा मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पर आने का और काफ़ी मज़ा आया। क्या कहते हैं, एक तो बारिश हो गई है और ऊपर से मरी, नाम सुना था पहले भी, तो बहुत बहुत क्या कहते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आप भी फर्स्ट टाइम आए? हाँ जी, फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा आए ना। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट। कौन सी क्लास में? मैं BS कर रहा हूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। अच्छा, यहाँ का माहौल देखकर आपको क्या लग रहा है? बड़ा प्यारा रोमांटिक सीन हो रहा है। जी आप कहाँ से आए? जी मैं डीजी खान से हूँ, लेकिन मैं इन दोस्तों के साथ आया हुआ हूँ। अच्छा। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है, मैं काफ़ी दफ़ा आया हुआ हूँ। तो माशाल्लाह बहुत तो प्यारा मौसम है और अनएक्सपेक्टेड बारिश हुई है और हम पैदल ही चल रहे थे, हमारी गाड़ी बहुत दूर है और हमने जान भी बहुत दूर ही है, तो फंस गए। ये पीछे से आवाज़ आई है कि आप तुसा सरेकी भी बोल लें दे बेटा। जी जी मैं सरेकी हूँ, क्योंकि मेरा क्योंकि जो है ना इलाका डीजी खान है, तो वहाँ पर जो अक्सरियत जरी ज़्यादा अक्सरियत सरेकी आँदी, तो यही वजह। निखेड़े मोहब्बत दी मेरा आज होंदे निखड़ गई कुगामी इतली नहीं डिवींदे सजड़ा में अखी ठहरन। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप जी, आप कहाँ से आए? जी मैं आरीवाला से हूँ भाई। अच्छा, ये मैं लीड कर रहे हैं। आप इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं? ये मेरे कजन है सभी। अच्छा। तो मैं इनके साथ स्पेशल आया हूँ। मेरे पास इतना टाइम तो नहीं था भाई। अच्छा। लेकिन मैं इनके साथ फिर भी अपना टाइम निकाल गया। अच्छा अच्छा, आप करते क्या हैं? मेरी शॉप है, हमारा जिम्मेदारा भी है और बस यही हमारे काम है जो हम दो चार करते हैं। ठीक, शुक्रिया जी, मेहरबानी। आप? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं आप? मैं इस्लामाबाद से। क्या करते हैं आप? मैं बिज़नेस करता हूँ। किस चीज़ का? बेसिकली मैं HVAC इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मेरी अपनी कंपनी है अर्बन इंजीनियर्स के नाम से, और हम लोग HVAC में डील करते हैं, जो भी एयर कंडीशनिंग का सिस्टम होता है उसके अंदर। तो बड़ा अच्छा मौसम है यहाँ पर, बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं, बस थोड़ा सा अभी बारिश ने हमें रोका है, लेकिन ये है कि बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। आपके लिए तो आसानी होगी क्योंकि आप इस्लामाबाद में, आपका तो मरी में आना जाना लगा रहता है। जनूबी पंजाब या दीगर इलाकों के जो लोग हैं वो तो साल बाद गर्मियों में भी आते हैं, आप तो हर वक्त यहाँ पर आते जाते रहते हैं। जी जी हाँ जी बिल्कुल, ये भाई लोग आए हैं मेरे पास और इनको घुमाने फिराने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आपके तवसुत से मैं एक छोटा सा यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज करना चाहता हूँ कि हमें गाड़ी मरी से बाहर खड़ी करनी पड़ गई है, हालाँकि आगे भी हम लेके आ सकते हैं, तो आपसे गुजारिश ये की जाती है कि ये हुकाम आला तक पहुंचा दें कि हमें गाड़ियां आगे लेके आने लाने की इजाज़त दी जाए। ये कहां तक गाड़ियां लाने देते हैं? ये पिंडी पॉइंट से पीछे ही हमें उन्होंने रोक दिया है, कह रहे थे कि कैंट एरिया है, कैंट एरिया की वजह से हम गाड़ी को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि गाड़ियों को आगे आने दें, ताकि बड़ी दूर से आए हुए होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हमें पैदल चल के आना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मेहमान हमारे थक भी चुके हैं। तो ये थोड़ी ये खाने पीने की अशिया हैं या महंगाई की, मरी में क्या सूरत हाल है, इस्लामाबाद और मरी का कितना डिफरेंस है? हाँ ये है कि यहाँ पर जो चीज़ है वो एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए, प्राइस कंट्रोल होना चाहिए। बेशक मरी है या जो भी है, इस्लामाबाद से यहाँ पर 20% मैं समझता हूँ यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पर पहले 2-3 साल पहले यहाँ पर लोगों के साथ बड़ा गैर मुनासिब रवैया भी देखने में आया, लोगों ने बाइकाट भी किया मरी का। जी अब क्या मौजूदा क्या सूरत हाल? मौजूदा सूरत हाल बेहतर है, पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। प्राइस कंट्रोल्स जो सा हमारा जो अदारा है उसको यहाँ पर प्राइस कंट्रोल करना चाहिए, ये थोड़ी सी, ताकि लोगों बहुत दूर दूर से आती हैं, लोगों के लिए आसानी पैदा करें, ना कि मुश्किल हम उनके लिए पैदा करें। बहुत शुक्रिया आपका।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।